धनुराशि वाले जातक, देखने को मिलेगा बड़ा परिवर्तन, रहिएगा सावधान। 1 से 7 अगस्त महीने की शुरुआत हो रही है और 1 तारीख से यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का ये 7 दिन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। धनुराशि वाले जातकों के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का ये जो समय है कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह जो है कैसा प्रभाव डालेगा आपके दैनिक जीवन पे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये जो 7 दिन हैं कैसे रहेंगे धनुराशि वाले जातकों के लिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ये जो है 7 दिन कैसे रहेंगे धनुराशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, इन 7 दिनों में जातकों को अपने संबंधों और सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ये 7 दिनों की जो शुरुआती समय होंगी, घर परिवार से जुड़े किसी मसले को सुलझाने को लेकर परेशान रह सकते हैं आप। इस दौरान ना सिर्फ निजी जीवन में बल्कि कार्यक्षेत्र से जुड़ी कई समस्याएं आपके आसपास चल रही होगी, जिनका हल निकालने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। कठिन समय में आपके इष्ट मित्र काफ़ी मदद करेंगे आपकी। सप्ताह के मध्य में आपको वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान बाजार में मंदी के साथ साथ अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों को आपको जो है सप्ताह के उत्तरार्ध तक खत्म करना है, उसमें राहत भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियां आपको सप्ताह के उत्तरार्ध तक जैसे कि राहत दिलाएगी। नौकरी पेशा लोगों को इन 7 दिनों में अपने कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने के बजाय लोगों को मिला जुला कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। जो जातक परीक्षा प्रतियोगिता किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो मन है पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उतावलेपन को हावी मत होने दीजिएगा। कोई भी गलती मत करिएगा उतावलेपन में आके प्रेम संबंध में, अन्यथा परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है, मन थोड़ा सा व्यतीत रह सकता है, परेशान रहता है। अगर ऐसा होता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करिएगा, सब कुछ कुशल मंगल होगा। इन 7 दिनों में उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध ज़्यादा लाभ देकर आएगा, यानी कि लाभ लेकर आ रहा है, आपको ज़्यादा लाभ देगा। इस दौरान आपको करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि न सिर्फ आपके करियर और कारोबार से जुड़ी बल्कि निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, आराम मिल रहा है। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का हल निकल सकता है। आप पाएंगे कि आपको अपने परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिल रहा है, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में इससे कुछ कमी दिखाई देगी, यानी कि कमी मिलेगी, इसमें कमी देखने को आपको मिलने वाली है। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। तमाम तरह की कठिनाइयों के बीच आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मौसम में बीमारियों को लेकर विशेष रूप से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ बड़े खर्चे अचानक से आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। जातकों को इन 7 दिनों में अपने प्रेम संबंध का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। कामकाज की व्यस्तता के बीच अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय भी जरूर निकालिएगा। इन 7 दिनों में उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, जिसके वो हकदार हैं, इसलिए जितना हो सके थोड़ा सा ही समय निकालें दैनिक जीवन से और अपने जीवन साथी को वक्त दें, उनके साथ बैठें, सुख दुख बांटें, उनसे पूछें उनकी क्या समस्या है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बात करके आपके मन को भी अच्छा लगेगा।
जातकों के लिए काफ़ी भागदौड़ भरा रहेगा कुछ जातकों के लिए 7 दिन। इन 7 दिनों में आपको अपने करियर कारोबार के सिलसिले से लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेगी। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होगी। इसके कारण आप थोड़ा हताश और निराश रह सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र या कारोबार से जुड़े मामलों के साथ निजी जीवन से जुड़ी कुछ परेशानियां आपको चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान किसी बात को लेकर सज्जनों के साथ अनबन हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, जितना हो सके कंट्रोल में रहिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा। क्रोध में आकर बगैर सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय ना लीजिएगा। गुस्से में आकर कोई तो निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, परंतु अगर ऐसा मौका बन रहा है आपके लाइफ में इन 7 दिनों में, तो गुस्से में जब भी रहिएगा, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान कराएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आपके गलत बात व्यवहार के कारण आपके सालों के बने संबंध टूट सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा कि जाने अनजाने में ही सही कोई संबंध ना टूटे। शादीशुदा लोगों को जो है जहाँ घरेलू समस्याएं सताएंगी, तो वही युवाओं को प्रेम प्रसंग में थोड़ा बहुत उच्च नीच देखने को मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों को लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा फल पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रतिदिन संकट मोचन हनुमान जी की पूजा, जैसे कि मैंने बताया, करिएगा। ये सभी चीज़ों से आपकी रक्षा करने वाले हैं, सारी समस्याओं से आपको बचाएंगे। जो भी समस्याएं इस सप्ताह आपके पास आएंगी, उनसे होकर गुजरेंगे और वो आपकी सारी समस्याओं को हर लेंगे। कामकाज या फिर कहें अपने लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। इस सप्ताह ये समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा फील होगा कि आप अपने कामकाज से, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जिसके चलते उसके पास आया अवसर भी, यानी कि आपके पास जो अवसर आएगा भी, वो भी हाथ से निकल सकता है। इस सप्ताह आपको बेवजह की चीज़ों से मन भटकाने या फिर विवाद में पड़ने से बचने हैं। अपने करियर कारोबार का जो है पर फोकस करने की आवश्यकता है। करियर कारोबार पर फोकस करिएगा। इस सप्ताह चीज़ों को कल पर टालने या फिर दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचिएगा। यानी कि कोई भी काम है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, कल पर मत टालिएगा। जितना हो सके आज ही के आज निपटाइएगा, कल पे मत टालिएगा। अगर कल पे टालते हैं या दूसरे के भरोसे छोड़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी पर्यटन या फिर धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी आप बनाएंगे। इन 7 दिनों का अंत का जो समय होगा, कहीं घूमने का प्लान, आप घूमने फिरने का, कोई पर्यटन स्थल, कोई धार्मिक स्थल, कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आपकी यह यात्रा सुखद एवं मनोरंजक साबित होगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने उपक्रम में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। वही नौकरी पेशा लोगों को जितना अधिक श्रम करेंगे, उनके कार्य की गुणवत्ता उतनी बढ़ती हुई नज़र आएगी। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह 7 दिन अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनेगी। वैवाहिक जीवन जो है साथ ही साथ सुखमय रहेगा, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और क्या क्या देखने को मिलने वाला है इस सप्ताह आपको। तो देखा जाए तो गुड लक के लिए सप्ताह कई जातकों के लिए खूब काम करना पड़ेगा। गुड लक तभी आपका लक साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। कई बार आप मेहनत करते हैं, उसका फल नहीं मिलता, परंतु इस सप्ताह जितना मेहनत करिएगा, उसका फल आपको मिलेगा। गुड लक तभी आपका साथ देगा जब आप परिश्रम करिएगा। आपका प्रभाव घर और बाहर दोनों जगह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके करियर और कारोबार से मिलने वाली सफलता में विस्तार होगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कई बड़ी डील हाथ लग सकती है। व्यवसाय में विस्तार और बड़े लाभ से आपकी धाक जो है मार्केट में बनेगी। इस सप्ताह आपको मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद या पुरस्कार भी इस सप्ताह मिल सकता है। आप लोगों के बीच इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में
फैसला आपके हक में आ सकता है या फिर आपके विरोधी आपसे खुद समझौता के लिए पहल कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक क्रियाकलापों में मन लगेगा। इस दौरान घर में भी पूजा पाठ या आयोजन संभव है। धार्मिक अनुष्ठानों में आप मन में शांति महसूस करेंगे। सेहत में दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आप निश्चित होकर अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। सेहत के साथ साथ आपके संबंध भी बढ़िया रहेंगे। आपको घर में स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा, समर्थन मिलेगा और बाहर आपके मित्रगण मदद भी आपकी करेंगे। उपाय है, इस सप्ताह आप करिएगा बजरंगबली की पूजा, जैसे कि मैंने बताया है करना है। बजरंग बाण का पाठ करना है, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना है, तिलक अर्पित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आपको करना है। तो दोस्तों यही था अगस्त, शुरुआती 7 दिन अगस्त महीने के आपके जीवन के लिए कैसे रहेंगे, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, बम बम।